गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर स्टार्ट किए थे। हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर स्टूडेंट्स मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो मेनली हम 3 हिस्सों में कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। मेनली हम 3 टाइप में कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला टाइप है कॉन्ट्रैक्ट का स्टूडेंट्स, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्समेंट। ये पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्समेंट। जो दूसरा टाइप हम डिवाइड कर सकते हैं दूसरे टाइप में, वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। मोड ऑफ क्रिएशन। तो मेनली वी कैन डिवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ थ्री मेन टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्समेंट, द सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, एंड द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये मेनली 3 टाइप है। मैंने थोड़ा अच्छा नहीं लिखा, थोड़ा घुमा के लिखा है, पर चलो आपको समझ आना चाहिए। स्टूडेंट समझ आ रहा है तो बढ़िया है। जो फर्स्ट टाइप है मेन कॉन्ट्रैक्ट का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्समेंट। जो हम कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्समेंट डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन डिवाइड कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्समेंट की बात करें तो इसमें 4 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। इस पर 4 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ वन इज वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट। अगर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन डिवाइड करना हो तो हम 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला टाइप है वो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जो दूसरा है वह इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जो तीसरा है वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। QUASI क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करें अगर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला टाइप है वो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट।
एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जो दूसरा मेन टाइप है वो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, EXECUTOR भाई, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जो तीसरा है मेन टाइप वो है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा मेन टाइप है वो है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जो फोर्थ मेन टाइप है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, उसका नाम है बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जो फोर्थ है वो है बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स यही मेन टाइप है कॉन्ट्रैक्ट के, ये सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, देन आफ्टर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, देन आफ्टर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहाँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, वैसे ही एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कहाँ दिया गया है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दिए, यही टाइप्स हैं, वेरियस टाइप्स, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। उतार लो स्टूडेंट्स, आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो।